कि जिनके सामने कितनी भी कठिनाइयां आए तो भी वो उसके लिए रेडी रहते हैं, और कितने भी चैलेंजेस आए, कॉम्पिटिटर्स आए, दूसरे इलाके के लोग आए, लेकिन उनको पता है कि हमें ही रिन्यूएबल गैस सेक्टर में किंग बनना है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार है, उनको मैं बुलाना चाहूंगी कि वो आए और इस वेबिनार को आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों हमने देखा कि कैसे कोई कंपनी ब्रांड बनती है। जब कोई कंपनी ब्रांड बनती है तो उसके पीछे उस कंपनी की एक सोच होती है, उस कंपनी की एक फिलॉसफी होती है, उस कंपनी का एक मिशन होता है जो उस कंपनी के हर चीज में दिखाई देता है, उस कंपनी के हर प्रोडक्ट में वो बाहर सभी स्टेक होल्डर्स को, सिर्फ कस्टमर्स को नहीं, सभी को पता चलता है कि इस कंपनी किसके लिए काम कर रही है। दोस्तों अगर हम लोग मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज कहती है कि द बेस्ट और नथिंग। तो मर्सिडीज के सभी प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा मर्सिडीज हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करती है। एप्पल, एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो एप्पल में उनकी वो सोच दिखाई देती है कि जिसमें वो बोलते हैं थिंक डिफरेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे अमेजोन की बात करें तो ये फिलोसॉफी है कि उनको दुनिया की सबसे कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बननी है और उसके लिए वो सब चीज करते हैं। आप कोई भी चीज अगर अमेजोन से मंगाते हो, अमेजोन के साथ कोई भी एसोसिएशन आप शुरुआत करते हो, उसका और किसी भी दूसरी कंपनी के साथ आप जब कंपैरिजन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कंपनी किस तरह, जो जो उनकी सोच है, कैसे हर चीज में उनकी सोच को वो दर्शाती है। दोस्तों ये ब्रांड बनना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप ब्रांड बनते हो तो वो आपकी ये सोच के साथ, फिलोसॉफी के साथ लोग जुड़ते हैं, लोग दिल से जुड़ते हैं। इस एक बार आपकी कंपनी ब्रांड बन गई तो आपके सेक्टर में कई उतार चढ़ाव क्यों ना हो, कितने कॉम्पिटिटर क्यों ना हो, आपके लोग हमेशा आपके साथ लॉयल रहते हैं, आपकी कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है। दोस्तों हमारे सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो हमारे सेक्टर में भी जिस जिस सेक्टर में जिस लेवल का हम लोग काम कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि हम लोग पायोनियर हो, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां सेम प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे, सेम प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे और नेशनली नहीं इंटरनेशनल कंपनी आके ये काम करने की कोशिश करेगी क्योंकि भारत में जितना पोटेंशियल है वो पोटेंशियल दुनिया में कहीं नहीं है। तो जब ये कंपनी आएगी, जब ये कॉम्पिटिशन आएगा तब हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर हम ब्रांड हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं अगर हमने लोगों को दिल के साथ जोड़ा हुआ है, अपने मिशन के साथ उनको जोड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये कंपनियां, हमारी सभी कंपनियां ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। और ये ब्रांड बनने के लिए क्या सोच है हमारी, तो हमारी सोच, हमारी फिलॉसफी, हमारा मिशन बस एक ही है और वो है हमारे इस धरती माँ को बचाना। दोस्तों वो धरती माँ जिसने करोड़ों साल से हमारा संगोपन किया है, हमें पाला है, इस धरती माँ को इस डेवलपमेंट या विकास के नाम पे हम लोग का बर्बादी के कगार पे लाके छोड़ा है। तो हमारा एक ही मकसद है कि हमें इस धरती माँ को बचाना है और इस धरती माँ को लेके जो पर्यावरण है, जिस पर्यावरण में करोड़ों जीव आज रहते हैं, इनकी रक्षा करना है, इनको बचाना है। और इसी सोच के साथ यही काम करने के लिए जो भी बिजनेस करने पड़ेंगे वो हम लोग करेंगे। बिजनेस करना है, बाकी कुछ काम करना है, बिजनेस में ये सब कुछ हम लोग करेंगे जब तक हमारा ये उद्देश्य सफल नहीं होता। सबसे पहले तो हम ये जो ईंधन है, ये ईंधन जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये विषारी ईंधन को हमें 100% रिप्लेस करना है हमारे क्लीन फ्यूल के साथ, बायोफ्यूल के साथ जो हमारे किसान तैयार करेंगे। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो हमारा मकसद है वो ये भी है कि हमें इस पृथ्वी के ऊपर ये जो पर्यावरण है, ये जो वातावरण है, इसमें
करोड़ों जीव जो रहते हैं, अभी ये करोड़ों जीव करोड़ों सालों से रहते हैं, और इस धरती माँ ने इनका इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा है कि सभी लोग एक दूसरे के एसोसिएशन, एक दूसरे के सहजीवन में रहते हैं। अभी ये जो पूरा सिस्टम, ये जो पूरा संतुलन धरती माँ ने करोड़ों साल से बनाया हुआ है, जिसका जतन करोड़ों साल से वो कर रही है, वो आज बहुत ज्यादा खतरे में है। अभी एक कोरोना देखिए, कोरोना कहां से आया? ये कोरोना किसी दूसरे ग्रह का, दूसरे बाहर से कोई जीव नहीं है, ये हमारे इस करोड़ जो जो व्यवस्था है, इस जो इकोसिस्टम है, उसमें से एक सूक्ष्म जीव है। जैसे हमारे बदन में भी लाखों सूक्ष्म जीव है, लाखों बैक्टीरियाज है कि जिसकी वजह से हम लोग जो खाते हैं उसका पचन होता है। लेकिन हो सकता है कि हमारे अंदर जो जीव है वो शायद किसी दूसरे जानवर में जाए और वहां बीमारी तैयार कर दे। तो इस कोरोना के ऊपर अगर आप दवाई बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, तो ये बिल्कुल उसका समाधान है ही नहीं। लॉन्ग टर्म समाधान क्या है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है, कि ये जो व्यवस्था, ये जो इकोसिस्टम, ये जो पूरा संतुलन धरती माने करोड़ों साल से बनाया है, उसको फिर से रिस्टोर करना, उसको फिर से कायम करना। और ये जो इकोसिस्टम है, इसको बर्बाद करने का काम, ये पूरे संतुलन को बिगाड़ने का काम अगर कुछ कर, कोई कर रहा है, तो वो है ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी अभी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर इतनी बुरी तरह से डिपेंड हो चुकी है कि हम लोग सोच नहीं सकते इसके बिना। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यानी सभी वो प्रोडक्ट जो क्रूड ऑयल से आते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन वही क्रूड ऑयल जो आपको पेट्रोल, डीजल, एटीएफ ये सब देता है, वही क्रूड ऑयल जिसके वजह से, ये ईंधन की वजह से जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वही क्रूड ऑयल, इससे ये सभी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जिससे पूरी हमारी जिंदगी अभी पूरी 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 डिपेंड हो चुकी है, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि दिन की शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, तो हाथ में ब्रश लगे, वो भी बनता है प्लास्टिक से, वो भी पेट्रोकेमिकल। आप नहाने के लिए जाते हो, जो साबुन, जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जो भी कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करते हो, सभी इस क्रूड ऑयल से आते हैं, इस पेट्रोकेमिकल से आते हैं। आप जो बदन पे कपड़े डालते हो, 80% कपड़े, यानी सिर्फ बदन के नहीं, तो आपके घर में रहे हुए पर्दे और जो भी कपड़े कपड़े की इस श्रेणी में आते, सभी 80% कपड़े उस क्रूड ऑयल से बनते हैं। यहां तक कि अनाज, जो अनाज हम लोग खा रहे हैं, आज हमें पता है कि जो खेती हो रही है वो कैंसर की खेती हो रही है। अभी इस कैंसर की खेती, ये कैंसर की खेती क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें हम लोग रसायन, वो सब केमिकल्स डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ये सभी केमिकल्स भी आ रहे हैं इस क्रूड ऑयल से। आपके घर में जो पेंट लगा हुआ है वो क्रूड ऑयल है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्रूड ऑयल, ये सभी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है। इसमें ये प्लास्टिक, रबर से लेके सब कुछ है, और इन्हीं का ही जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी वजह से ये पूरा पर्यावरण का संतुलन आज खतरे में आया है। इसी की वजह से ये कोरोना और बाकी की चीजें अभी आने वाले दिनों में इतनी बढ़ रही है। तो दोस्तों, हमारा मकसद क्या है कि हमें 100% ये सभी जो प्रोडक्ट है, इस सभी प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ हमें रिप्लेस करना है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यानी वही प्रोडक्ट्स जिस प्रोडक्ट्स की अभी हमें आदत है, जरूरत है, आदत भी नहीं, जरूरत है बहुत सारी प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे चीजों से हम लोग रिप्लेस करेंगे कि जो इस धरती का ख्याल रखे, इस पर्यावरण का ख्याल रखे, इस पर्यावरण का संतुलन बनाए रखे। और इसी प्रोडक्ट्स को, इसी सभी उत्पादनों को हम लोग बोलेंगे MCL इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और जब भी इको फ्रेंडली की बात आती है, जब भी सस्टेनेबल की बात आती है, जब भी ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स की बात आती है, चीज की बात आती है जो धरती का ख्याल रखे, तो जाहिर है ये सभी चीजें आती है सिर्फ और सिर्फ खेतों से ही आ सकते हैं ये प्रोडक्ट। ये पेट्रोल वेट्रोल बाकी कुछ भी नहीं, जो भी चीज आपको चाहिए वो सभी आज हमारे खेतों में तैयार हो सकती है। बेसिकली प्लांट से तैयार हो सकती है, वनस्पति से तैयार हो सकती है। कुदरत ने इतनी अच्छी व्यवस्था तैयार की है कि ये जो प्लांट है, ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति हमें एक्चुअली आज के इस मॉडर्न जमाने में भी आपको जो चाहिए वो सब कुछ हमारी ये वनस्पति, हमारी ये कुदरत दे सकती है, सस्टेनेबल वे में दे सकती है, कि आप जितना भी इस्तेमाल करो, इससे कोई नुकसान ना आपको होगा, ना आपके कम्युनिटी को होगा, ना आने वाले फ्यूचर को होगा। दोस्तों, एक ऐसे प्लांट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि
कि वे एक ऐसा पौधा, एक ऐसी वनस्पति जो इस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में एक जबरदस्त, यानी मैं कहता हूँ मैडम के लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ कि शेर है, कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे सकती है, उस वनस्पति का नाम है बांबू। बांबू आई मीन इट इज डिफिकल्ट, आई मीन जब आप बांबू के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें हैं बांबू के बारे में बताने के लिए, लेकिन आज मैं कुछ चंद चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो एमसेल का मिशन है कि हमें इस पूरे पर्यावरण संतुलन का ख्याल रखना है, इसमें बांबू की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। और आज के दिन में, यानी अभी के जो भी ट्रेंड या अभी जो भी परिस्थिति बनी हुई है उसमें बांबू का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। तो चलिए जानते हैं कि बांबू यानी क्या। तो बांबू एक ऐसी वनस्पति है जो ग्रास तुरुण इस फैमिली से है। अभी हम सभी सीएनजी के लिए या हमारे बायोमीथेन तैयार करने के लिए इस नेपियर ग्रास को उगा रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, तो उसी ग्रास की फैमिली से है अपना बांबू। जब कोई वनस्पति ग्रास या तुरुण से आती है उसके बहुत सारे कुछ स्पेशल ऐसी चीजें होती हैं जो उसको खास बनाती है। दोस्तों पूरी दुनिया में ये बांबू ऑलमोस्ट 5000 सालों से लोग इसको जानते हैं। हर जगह ये आता है, हर जगह इसकी अपनी अपनी एक वैरायटी है, और लगभग 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सिर्फ ऐसी जगह कि जहां बहुत ज्यादा ठंडा है वहां ये बांबू नहीं आती, बाकी पूरी दुनिया में ये बांबू आते हैं और इसको जानते हैं। दुनिया में आज की तारीख में लगभग 31 मिलियन हेक्टर यानी 3,10,00,000 हेक्टर इतने जगह पे आज बांबू उग रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये फॉरेस्ट करके उग रहा है। ओके, और पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम जगह पे बांबू को अभी तक सिर्फ जंगल का एक पौधा करके ही देखा गया है, क्योंकि किसी भी एरिया को अगर आपको जंगल में कन्वर्ट करना है तो बांबू जैसा बेहतर कोई वनस्पति है ही नहीं। जिस तरह से किसी भी जगह पे बांबू आ सकता है, किसी तरह कैसे वो कम पानी में या जैसी अपनी परिस्थिति आजू बाजू की वो अपने खुद को उसमें डाल देता है, तो उसकी वजह से ये फॉरेस्ट अगर तैयार करना है तो सबसे इकोनॉमिकल, सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद अगर कोई पौधा है तो है बांबू। ऐसा करके आज तक पूरी दुनिया में बांबू को फॉरेस्ट का, यानी भारत में भी बहुत देर तक ये सिर्फ फॉरेस्ट या जंगल में आने वाला पौधा ऐसे ही इसको देखते थे। ऑफ कोर्स अभी इसको बगैर सिर्फ जंगल का ही नहीं तो जिसके साथ खेती कर किया जा सकते ऐसे सभी देशों ने ऑलमोस्ट इसका वर्गीकरण किया है। दोस्तों चाइना, ये पूरे बांबू का अगर आप इतिहास देखोगे तो इस सभी 5000 से भी ज्यादा साल का जो इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा इसके बारे में अगर कुछ काम हुआ है, संशोधन हुआ है इसके ऊपर, लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो वो है चाइना। चीन का अगर आप देखोगे तो चीन के जो पुराने राजा वगैरह सब उनका था, वहां से लेके आज के जो सामान्य वर्ग की जनता है, जो आम लोग है, वो भी बांबू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी बांबू चीन की एक संस्कृति बन चुकी है। आज भी ये जो पूरा 31 मिलियन हेक्टर यानी 3,10,00,000 हेक्टर पे जो जमीन पे जो बांबू है उसमें से 80% जमीन वो एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इन देशों में है, जिनमें चाइना, भारत, वियतनाम, कंबोडिया ये सब देश आते हैं। तो जैसे चाइना का तो ज्यादा इतिहास है, चाइना के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन भारत में भी उसका इतिहास बहुत ज्यादा है। दोस्तों अभी ये ग्लोबल वार्मिंग के सिचुएशन में बांबू बहुत अच्छा काम कर सकता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है कि हो रही है इस गैसेस की वजह से। नंबर वन जो शत्रु है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे ये जो पृथ्वी है उसके आजूबाजू जो वातावरण है उस वातावरण में, उस हवा में एक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया और वो एनर्जी को खींच रहा है, वो गर्मी तैयार कर रहा है। ओके, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बहुत सारी दुनिया के लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि कैसे इस वातावरण से इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालें, साफ करें वातावरण, हवा साफ करें इस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुदरत ने सबसे अच्छा तरीका जो मानव को हमको बताया है, सिखाया है, वो है पेड़। सिंपल पेड़ जो होते हैं, पेड़ के लिए
ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी खाना है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने की हम लोग बात कर रहे हैं वो खाना है पेड़ों के लिए। कार्बन पेड़ क्या करते हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेते हैं उसमें से जो कार्बन होता है उससे वो खाना बनाते हैं अपना, जो फिर हमको मिलता है कार्बन, और जो ऑक्सीजन है ना वो बाहर फेंकते हैं। यानी पेड़ एक ऐसी चीज है कि जो हवा शुद्ध करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है। और दुनिया में ऐसे पेड़ जो बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो होते हैं, उनको बहुत ज्यादा खाना लगता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो दुनिया में ऐसे ऐसी वनस्पति जो सबसे ज्यादा बढ़ती है, फास्ट बढ़ती है, और जिनको जो, जो सबसे ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है, उसमें उसमें एक वनस्पति है बांबू। बांबू आप सोच नहीं सकते, कुछ ऐसी वैरायटीज है बांबू की जो एक दिन में 3 फुट इतनी बढ़ती है, ऐसी वैरायटीज है कि जो एक घंटे में 2-2 इंच बढ़ती है। ऑफ कोर्स इसके साथ हम लोग जो कर रहे हैं नेपियर ग्रास, वो भी बहुत अच्छा सक्षम है ये सब करने में, बहुत फास्ट ग्रो करता है। कितनी ज्यादा पर एकर पर हेक्टर वो आमदनी देता है हमें पता है, लेकिन बांबू के ऐसे स्पेशल वैरायटीज है। जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो इसलिए जो हम लोग साइंटिस्ट अभी जो सोच रहे हैं कि कैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाए इस वातावरण से, बहुत अच्छा ये उपाय है। अगर जितना बांबू का मास है, वनस्पति का मास, उतना ही मास का कोई भी पेड़ अगर दुनिया में, तो ये बांबू 5 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो जितना बांबू का जो मास है वैसे ही दूसरा अगर आप लेंगे, दूसरी कोई भी पेड़, तो 35% वो ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए सबसे बढ़िया है बांबू। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम बांबू करता है दोस्तों, शायद आपको पता नहीं, लेकिन हमारे अभी यही एक रिपोर्ट आया है पिछले साल कि दुनिया की लगभग 75% जमीन जो मिट्टी है वो डिग्रेड हो चुकी है। यानी जिस मिट्टी से हम लोग अभी खेती कर रहे हैं, ये सब कुछ है, वो मिट्टी 75% जो जगह है वहां डिग्रेडेड हो चुकी है। यानी आपको क्या लगेगा कि नहीं ऐसे बैरन बंजर जमीन है या रेगिस्तान है, वही आपको लगेगा कि डिग्रेडेड लैंड है, बिल्कुल नहीं। आप जहां खेती कर रहे हो अगर वहां खेती की आपकी उत्पादकता बढ़ रही है तो भी वो डिग्रेडेड लैंड है। यानी आपकी मिट्टी की फिजिकल यानी भौतिक, बायोलॉजिकल, जैविक और केमिकल यानी रासायनिक अगर प्रॉपर्टीज कम हो रही है, उसके गुण कम हो रहे हैं, तो आपकी जमीन डिग्रेड हो रही है। और 75% ऐसा सब कुछ हो रहा है। और इसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकता है बांबू। दोस्तों बांबू जो है ना, बांबू का अगर आप देखोगे कि किस तरह बांबू बढ़ता है, बांबू अपने साथ पूरी जो आजू बाजू की जमीन है उसको होल्ड करके रखता है। ये जमीन जो बहुत सारे डिग्रेडेशन तो इसकी वजह से हो रहा है कि जमीन के ऊपर से जो मिट्टी है वो जा रही है, उड़के जा रही है, लीचिंग हो रही है, सब कुछ इसको बांध के रखता है ये बांबू। बांबू की ग्रोथ अगर आप देखोगे ना कि बांबू कैसे बड़ा होता है, तो ऊपर तो पेड़ बढ़ता ही है लेकिन बाजू में भी बढ़ता है। आपको सबको पता है कि पेड़ से ऊपर जाता है, लेकिन बांबू ऐसा है कि ऊपर भी बढ़ता है और आजू बाजू भी उसके शाखाएं निकलती है। तो वो इतना जो भी जहां भी रहता है बांबू, वहां की पूरी जो जमीन है उसको वहां एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाता है, उसमें ऑक्सीजन डाल देता है, हमको पता है, और ये सभी चीजें करके आजू बाजू की जो जमीन है वो उसको ज्यादा उपजाऊ बनाता है। अभी देखो ऐसे कितने सारे डिग्रेडेड ऐसे खराब हुई जमीनें हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये माइनिंग का भी है, ये ओपन जो खुली जो खदानें हैं, इसका वजह से न जाने कितने जमीन हम लोगों ने बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पावर प्लांट्स है, कोयले के ऊपर चलने वाले ये जो बिजली बनाने वाले प्लांट्स है दोस्तों, ये जो कोयला जलता है ना 30% राख तैयार करता है, राख, और वो राख वो जो प्लांट है उसके आजू बाजू की जमीन में वो राख फैलती है। और हमने देखा है कि इस राख से पानी, जमीन, आकाश यानी हवा पूरा पोल्यूट होता है, लेकिन जमीन तो बुरी तरह से खराब होती है। और इसी का देखो ऐसी एक जमीन है जिसे
जिसे ऐश पॉन्ड भी कहते हैं, कि ऐश यानी पूरा वो आजूबाजू का इलाका सिर्फ राख का बन जाता है। तो ऐसे राख ऐसे इलाके बन जाते हैं कि जहां कोई भी पौधा आ नहीं सकता, कोई भी पेड़ आ नहीं सकता। ऐसे जगह पे बांबू क्या कर सकता है, देखिए आप, एक साल के बाद सेम जगह पे बांबू ने क्या किया, ये सेम जमीन है, ये सेम जमीन है, वहां एक साल के बाद बांबू प्लांटेशन में ऐसा बदलाव हुआ है। और ऐसा नहीं, ये भी वैसी जमीन है, ये भी वैसी जमीन थी कि जहां कुछ भी पॉसिबल ही नहीं था। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप जाके पढ़ोगे कि बांबू से कितने सारे एग्जाम्पल आपको अपने राज्य में मिलेंगे, अपने आजूबाजू मिलेंगे कि बांबू ने किस तरह से जमीन को उपजाऊ बेहतर बनाया है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बांबू करते जो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो है जो जमीन में हमें जब खदाने होती है तो खदाने के साथ बहुत सारे हेवी मेटल्स हम लोग बाहर निकालते हैं, बराबर है, जो कुदरत ने अंदर डाल के रखे हम लोग उसको निकाल रहे हैं। और ऐसे ऐसे मेटल्स है कि जिस जो मेटल्स नॉन कार्सिनोजेंस है, कि जिससे पता है पूरी दुनिया को किससे कैंसर होते हैं, पानी में जा रहा है, जमीन पे जा रहा है, हवा में जा रहा है, और ये जमीन में जो अभी जा रहे हैं ये सभी जो मेटल्स हैवी मेटल्स, उसको कैसे निकालेंगे आप, तो इसको निकालते हैं बांबू। ये सभी जो मेटल्स है उसको इकट्ठा करके उसको निकाल देते हैं बांबू। आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां बहुत खराब से खराब जो जमीन है उसको बांबू ने बेहतर अच्छी बनाई। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अनुबॉम की वजह से जापान बुरी तरह से बर्बाद हुआ था, राख हो गया था, उसके ऊपर तो ऐसा समझे कि मिट्टी बची नहीं थी कहीं, इस तरह से जमीन में पहला जो पौधा होगा वो था बांबू। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायोफ्यूल। दोस्तों बांबू एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी वनस्पति है कि जो सभी तरह के बायोफ्यूल को तैयार करने में उसकी मदद होती है। ओके, तो सबसे पहला बायोफ्यूल, बायोफ्यूल यानी जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, ओके, तो पहला जो बायोफ्यूल है उसको हम लोग देखते हैं द्रवरूप बायोफ्यूल, लिक्विड बायोफ्यूल। इसमें कौन से बायोफ्यूल आते हैं, तो दो तरह के आते हैं, एक बायोइथेनॉल और दूसरा बायोडीजल। बायोइथेनॉल जो है वो पेट्रोल के लिए चलता है, आप 100% पेट्रोल को रिप्लेस कर सकते हैं बायोइथेनॉल के साथ, और बायोडीजल जो डीजल को रिप्लेस करेगा। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में ऐसे इंजन आएंगे कि जिस इंजन में नॉर्मल ये फोसाइल पेट्रोल के साथ बायोइथेनॉल भी रहेगा, नॉर्मल डीजल के साथ बायोडीजल भी जाएगा, इसे फ्लेक्स इंजन कहा जाएगा। दोस्तों इस लिक्विड बायोफ्यूल में बांबू एक बहुत जबरदस्त सोर्स है बायोइथेनॉल का, क्योंकि इस बायोइथेनॉल के लिए क्या चाहिए होती है, शुगर, इसके चाहिए होती है कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये शुगर इस बांबू में भर भर के है, इसी शुगर का कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है और वो अल्कोहल बनता है। तो ये बनाने के लिए हमारे यहाँ बांबू जबरदस्त ऐसा रॉ मटेरियल है, बहुत सारे प्लांट दुनिया में इसके ऊपर भी चल रहा है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बायोइथेनॉल कोई बनाता है तो वह ब्राजील और अमेरिका, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल वो लोग इस्तेमाल करते हैं वह है कॉर्न। ओके, तो ये कॉर्न यानी बुटिया जो हम लोग खाते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप बांबू को देखोगे तो बांबू बहुत ज्यादा बायोइथेनॉल तैयार करता है इसके कंपैरिजन में। इसके अलावा हमारे देश में भी अभी बायोइथेनॉल के बहुत सारे प्लांट शुरू हो रहे हैं, लग चुके हैं। शुगर की जो इंडस्ट्री है उससे मोलासेस के ऊपर बायोइथेनॉल के प्लांट हो रहे हैं, बाकी कई जगह हो रहे हैं, कुछ लोग बांबू से कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां ये प्लांट है वहां वहां हम लोग अपना ये बांबू को रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बायोफ्यूल है वो क्या है, वायुरूप बायोफ्यूल, यानी हमारा बायोमिथेन, हमारा मिथेन जिसके लिए जिसके ऊपर हम लोग सभी काम कर रहे हैं। अब ये मिथेन ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सीएनजी करके, हम लोग घरेलू इसमें रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के लिए, और इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बायोमिथेन किससे बनता है, बायोगैस से, और ये बायोगैस बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल करके जो हमें बायोमास चाहिए, जैसे हम लोग निपर ग्रास की बात करते हैं वैसे सिर्फ बायोमास करके भी बांबू का उपयोग हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश में साउथ ईस्ट एशिया में जैसे चाइना, वियतनाम, कंबोडिया में वहां बायोगैस बनाने के लिए बांबू का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने देखा कि कितना फास्ट
ये बांबू ग्रो करता है। वैसे ही तीसरा है सॉलिड बायोफ्यूल यानी घनरूप बायोफ्यूल। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका यानी ऐसे बायोफ्यूल की जो कोयले को रिप्लेस कर सकते हैं। अभी कोयले को रिप्लेस करने वाले जो सॉलिड बायोफ्यूल, इसमें बांबू का रोल बहुत ही अहम है दोस्तों। बांबू से जैसा हमने देखा कि बहुत सारा बायोमास तैयार होता है और उससे बहुत ज्यादा ये बायोकोल यानी कोयला तैयार हो सकता है, बांबू का कोयला तैयार हो सकता है। लेकिन हम लोग कौन सी भाषा में कौन से शेप में उसे करते हैं, तो ये शेप है, पिलेट्स है, ब्रिकेट्स है, तो ऐसे हम लोग तैयार करके उसको कोयले के जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं और बांबू से बहुत ज्यादा ये तैयार होता है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं कि एज अ प्रोडक्ट आप देखोगे तो कोयला, नॉर्मल जो कोयला आपको मिलता है ना, उससे कई बेहतर है बांबू का कोयला। कैलोरीफिक वैल्यू, उष्मांक अगर आप देखोगे तो बांबू का बहुत बेहतर है। और ये हमारे, हमें पता है कि हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वहां से 30-40% कभी कभी उससे राख तैयार होती है। और हमारा जो बांबू से बना हुआ कोयला है उससे सिर्फ 1% और मैक्सिमम 2% इतनी राख तैयार होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है बांबू से। इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले, बिजली बनाने वाले आज की तारीख में भी हमारे देश में 55% जो बिजली बन रही है ना, 55% बन रही है इस कोयले से। और उसके बाद फिर आपका नेचुरल गैस है, रिन्यूएबल है, सब कुछ बाद में है। दुनिया में भी परसेंटेज यही है, 55% से 60% बिजली आज की तारीख में दुनिया में कोयले से बन रही है। और इस कोयले को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने इस कोयले के साथ। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी लाई, अभी नहीं बहुत दिन से वो पॉलिसी है, कि ये सभी जहां जहां कोयला इस्तेमाल होता है ना, वहां आप इस बायोकोल यानी सॉलिड बायोफ्यूल को आप इस्तेमाल कीजिए। अभी तो गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा है कि जितने भी प्लांट अभी अपने भारत में चल रहे हैं और जिससे बिजली बन रही है कोयले से, उसको 100%, पहले तो 5% सभी वाले जो कोयले हैं उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बायोकोल के साथ। और इसमें बांबू बहुत काम आ सकता है। तो सभी जो कोयले के प्लांट चल रहे हैं पहले लक्ष्य रखते हैं 5% का, कि 5% जो कोयला है उसको रिप्लेस करेंगे बायोकोल के साथ। और उसके बाद 10%, 20% ऐसी गवर्नमेंट की ऑलरेडी पॉलिसी है। दोस्तों बांबू स्ट्रांग है। बांबू स्ट्रांग कैसे है कि अगर आप, हमें सुन के चकित हो जाओगे, लेकिन बांबू की ताकत है। ऐसे कहते हैं कि सेम वजन का जो कॉन्क्रीट की बात करते हैं आप, उससे बेहतर, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें बांबू की हो सकती है। अगर आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, अगर आपको, आप ऐसा समझते हैं कि बांबू हमेशा खाली होता है, तो ऐसा नहीं। बांबू ऐसा भी होता है जो आप देख रहे हैं, पूरा सॉलिड, पूरा भरा हुआ और पूरी ताकत उसमें रहती है, क्योंकि कुदरत ने बांबू को बनाया ही ऐसे। अगर आप उसको, उसका जो कंपोजिशन देखोगे तो उसमें लिग्निन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, इसका एक ऐसी तरह से कॉम्प्लेक्स है। और इस तरह से उसने बांध के रखा है कुदरत ने बांबू को कि उसमें वो ताकत आती है। उसकी अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, फिजियोलॉजी की बात करूं, तो आपको समझेगा कि उस बांबू को क्यों, उसके हर इसमें वो नोड है। ओके, इस हर चीज की कुदरत ने बनाया हुआ, हर चीज की कोई एक विशेषताएं है और उसका एक उपयोग है कि जिस तरह से उसने इस बांबू को बनाया। दोस्तों ये बांबू फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल यानी कैसे कि जितनी लवचिकता बांबू में है वो बहुत ही जबरदस्त है। और वो भी ये है कि मैंने सिर्फ कंपोजिशन बताया आपको कि उसमें लिग्निन है, हेमिसेलुलोज है, सेलुलोज है, लेकिन जिस तरह से वो रहता है बांबू में, इस तरह से है कि वो बहुत अच्छी तरह से उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी लवचिकता बढ़ती है। और यही कारण है कि हम ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, देखो ये स्ट्रक्चर्स, एक तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है नंबर वन, नंबर टू जिस तरह से ये 100% बांबू का बना हुआ है, बांबू का ऐसा इतना बड़ा स्ट्रक्चर और जिस तरह से उसको बनाया है, उसकी जो लवचिकता है, जो ताकत है, वो बांबू की वजह से आती है। कुदरत ने जिस तरह से उसको बनाया उसके वजह से आती है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखोगे तो बांबू का क्या स्थान है, तो हम लोग जानते हैं कि
स्कैफोल्डिंग, यानी बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग को कलर देना है या बिल्डिंग का कुछ काम करना है, तो आपको पता है कि वो बाम्बू का वो मचान तैयार करते, अभी कई कई जगह पे वो मेटल का करते, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आज भी सिर्फ और सिर्फ बाम्बू की मचान तैयार करते, मैक्सिमम शहरों में हर जगह, क्योंकि बाम्बू में वही बाम्बू का वजन इतना कम है और वजन के मुकाबले ताकत इतनी है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आज भी सभी मैक्सिमम देशों में सिर्फ और सिर्फ बाम्बू का इस्तेमाल करते। और दोस्तों ये इस्तेमाल आज का नहीं, 5000 साल से कोई भी चीज बनाने के लिए बाम्बू का ये मचान बनाने के लिए, स्कैफोल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आपको लगता होगा छोटी छोटी चीज बनाते हैं आप, छोटी अगर इमारत हो, छोटी व्यवस्था है तो इसलिए बाम्बू का इस्तेमाल करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये बहुमजली यानी स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी इमारत जिसको बोल सकते हैं ना, वो इमारत है, 100% स्कैफोल्डिंग है बाम्बू के। और ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ये एक्चुअली हर जगह हो रहा है। दोस्तों बाम्बू में ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट दुनिया के 1 बिलियन 100 करोड़ लोग रहते हैं, इतना बाम्बू, यानी बाम्बू बहुत सारे देशों में, जो हमने अभी साउथ ईस्ट ये जो देश हमने देखे, भारत से लेके चाइना, ये सभी देशों में बहुत सारे लोगों के लिए बाम्बू घर बनाने का एक साधन है, इनसे बनता है उनके घर, ईंटों से नहीं। और 100 करोड़ लोग उसमें रहते हैं, लेकिन बाकी के लोग भी अभी क्या इस पे बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, बाम्बू से कैसे सस्ते कैसे अच्छे घर बना सकते हैं, इस तरह का काम कर रहा है। अभी देखिए ये कपल है जो इन्होंने अपना खुद का घर ऐसा बनाया, आर्किटेक्ट है उसी तरह। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन इसके पीछे है, एक तो हम लोग समझते हैं कि बाम्बू से करना कितना इको फ्रेंडली है, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं नॉर्मली, जो सीमेंट स्टील का सब उपयोग करते हैं और इसे सब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन तैयार करती है, क्या आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग करते हैं, बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मेन शत्रु है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये पेट्रोल डीजल जलाने से आ रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ये कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, थोड़ा सा कम। तो आप सोच सकते हैं ये सभी जो इमारतें हम लोग बना रहे हैं, सभी जो काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है इस ग्लोबल वार्मिंग का, और ये हमें पता ही नहीं। इसलिए पूरी दुनिया आज के दिन में काम कर रही है ऐसे स्ट्रक्चर्स पे, ऐसी चीजों पे कि जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। और इसीलिए लोग, पूरी दुनिया आज के दिन में काम कर रही है बम्बू के ऊपर। एक तो ऐसे घर, हमारे गांव की एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या सुलझाने वाले वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी बहुत कम दाम में ऐसे घर बन सकते, टिकाऊ बन सकते। अगर आपको लगता है कि इनकी उम्र क्या है तो आपकी इसकी चिंता मत कीजिए, इसके साथ ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं, यानी अगर आपको लगता होगा कि बाम्बू से सिर्फ छोटे छोटे घर बनते हैं, तो बिल्कुल ऐसा, आप जो चाहिए बड़ा, अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बंगला, वो 100% बाम्बू से बनाया है, लेफ्ट में कुछ इनोवेटिव वो कर रहे हैं बाम्बू के साथ, लेकिन आज की तारीख में जो भी सीमेंट से स्टील से आप बना रहे उसको 100% आप बाम्बू से बना सकते हैं। दोस्तों बाम्बू से ब्रिजेस बनते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज 100% बाम्बू से बनाया हुआ। हमारे गांव में कई सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, समस्या है जिसके ऊपर, और मैंने पहले भी आपको बताया भी है कि छोटी छोटी समस्या, कई कई साल से लोग वहां बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन वो समस्या हल नहीं हो रही। बाम्बू एक ऐसी चीज है कि कई सारे ऐसी समस्या हल हो सकती है गांव के। और सिर्फ यही नहीं, आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े मॉडर्न स्ट्रक्चर्स बाम्बू से आ रहे हैं। आप जो अभी ये होटल देख रहे हैं, ये होटल 100% बना है बाम्बू से। इसकी लेंथ, इसकी ऊंचाई देखे, रूप देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बना है बाम्बू से। ये एम्पी थिएटर, ये बना है बाम्बू से। प्रॉपर थिएटर, अभी ये थिएटर देखो, इसमें रंगमंच है, पूरा थिएटर है, ये पूरा थिएटर 100% बाम्बू से बनाया है। अभी आप सोचेंगे कि कैसे बनेगा ये बाम्बू, कैसे इतने साल जिएगा, कैसे ये बाम्बू जो हम लोग सीमेंट से करते हैं,
बाकी चीजों से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाम्बू कैसे उसको कॉम्पेट करेगा, कैसे उसको रिप्लेस कर सकता है, इतने साल तक बाम्बू कैसे रह सकता है जैसे बाकी के स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे ईटे रहती है, सीमेंट रहता है। तो दोस्तों ये सभी जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके लिए बाम्बू को स्पेशल उसकी ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाम्बू को तो पहले कितनी इतनी सारी जो वैरायटीज है, हजारों वैरायटीज, उसमें चुनते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा बाम्बू आपको चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसकी सही एज, उसकी सही उम्र जो है वो करते हैं, और फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उसकी कैसे वो आगे के 20 साल 30 साल जिएगा, इसको कैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसके लिए प्रॉपर बहुत सारी प्रक्रिया है। यानी एक पूरा वेबिनार हो सकता है सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ बाम्बू के ऊपर, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो चुकी है। दूसरा, उस बाम्बू जैसे वो वनस्पति है उसको फंगस दिमक लग सकता है, कुछ दूसरी बीमारियां हो सकती है, तो कोई भी आगे के 30 साल तक कोई बीमारियां ना हो इसके लिए भी प्रॉपर उसके उसकी ट्रीटमेंट होती है। कई हफ्तों तक ये ट्रीटमेंट चल सकती है, 2 से 3 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट चलती है। और ये सभी ट्रीटमेंट, ये सभी जो होता है ना, ये बहुत ही इको फ्रेंडली चीजों में होता है, कोई भी केमिकल्स वगैरह इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जो भी आजू बाजू जो मिलता है ना, क्योंकि हजारों सालों से इसके ऊपर ये प्रक्रिया हो रही है, और फिर बनता है ऐसा बाम्बू, फिर बनता है ऐसा बाम्बू जो बाम्बू फिर आपको वो ताकत देगा, वो स्ट्रेंथ देगी, वो लवचिकता फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, और ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे। आज की तारीख में ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो 100% बाम्बू से बन रहा है। ये देखिए, ये पूरा स्कूल है जो बाम्बू का बनाया, स्कूल है पूरा, पूरी जो स्ट्रक्चर स्कूल की बिल्डिंग है वो 100% बाम्बू से बनाई। ये रोड है, रोड के आजू बाजू उन्होंने दीवारें तैयार नहीं की सीमेंट की, तो उन्होंने ये बाम्बू के स्ट्रक्चर तैयार किए और उसको रखा है। ये 7-स्टार होटल है, अभी 7-स्टार होटल यानी ऐसा मत समझे कि आप, ये 7-स्टार होटल का पूरा रेस्टोरेंट 100% बन चुका है बाम्बू का। देखिए उसका उसकी लेंथ देखिए, हाइट देखिए, इतने हाइट पे जो उन्होंने वो कैनोपी तैयार की है वो देखिए, ये 100% बन रही है बाम्बू से। बाम्बू रोड में भी इस्तेमाल होते हैं, ऐसे रोड जो बहुत सारे पानी की वजह से ढह सकते हैं, तो उसकी ताकत बनाने के लिए बाम्बू का रोड में बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। बाम्बू फ्लोरिंग में इस्तेमाल होता है, यानी आप देखोगे अभी ऐसी जो फ्लोरिंग है जो नीचे का आपने देखा होगा कि ऐसे लैमिनेट्स मिलते हैं, मैं लैमिनेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लैमिनेट्स या जो टाइल्स बोलते हैं जिसे, ऐसे सेम दिखने वाले टाइल्स भी मिलेंगे, लैमिनेट्स भी मिलेंगे, वैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉपर ये बाम्बू की बनाई हुई फ्लोरिंग। और दोस्तों कौन सी चीज के लिए आपको बाम्बू चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए या स्ट्रक्चर्स बनाना या ऐसा फ्लोरिंग तैयार करना, हर तरह का बाम्बू है। और जिस तरह का बाम्बू की वैरायटीज अगर आप लोगे ना, उस तरह की उसकी ट्रीटमेंट होती है, प्री प्रोसेसिंग होती है, और तब जाके वो प्रोडक्ट ऐसा बनता है कि जिसके ऊपर आप 100% भरोसा रख सकते हो। बाम्बू का फर्नीचर, दोस्तों आप सोच नहीं सकते, जो भी फर्नीचर आज आपके घर में है, ऑफिस में है, आजू बाजू में, 100% वो सभी फर्नीचर हम लोग आज बाम्बू से बना सकते हैं, सब कुछ, स्टोरेज से लेके हर तरह का फर्नीचर आज बाम्बू से तैयार हो सकता है। आपको लगेगा कि नहीं, ये बाम्बू तो एकदम ऐसा लो क्वालिटी का फर्नीचर तैयार करता है, तो बिल्कुल नहीं, सबसे जबरदस्त मॉडर्न रिच लुक वाला फर्नीचर भी बाम्बू से तैयार होता है। और अगर मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर पढ़ाई करें और देखें, यानी एक एक चीज को, यानी इतना टाइम नहीं मेरे पास कि हर एक चीज को मैं आपको दिखा दूं, ये हर चीज को अगर आप देखोगे कि किस तरह से बनाया है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि बाम्बू से इतना कुछ बन सकता है, ऑलमोस्ट सब कुछ बन सकता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं, सिर्फ बहुत बड़ी बहुमंजिली इमारत नहीं बना सकते ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हर चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करा के दे सकता हूं कि कैसे इन्होंने बनाया है बाम्बू से, किस तरह से उसको प्री ट्रीटमेंट किया है, किस तरह का उन्होंने वैरायटी चूज किया। तो आज एक बहुत बड़ा वर्क ऐसा है कि जो आर्किटेक्चर का है, कंस्ट्रक्शन का है, और जो भी बाम्बू के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक्चुअली ऐसे सब स्ट्रक्चर्स दुनिया में बन रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि बाम्बू सिर्फ ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए काम आते हैं?
स्मूथ मुलायम ऐसे कपड़े बनाने के लिए भी बांबू काम आते। ये जो कपड़े आप सामने देख रहे हैं ये बांबू के बनाए हुए कपड़े। आपके घर में जो भी एक्सेसरीज है आज आप हर दिन जो इस्तेमाल करते हो, कोई प्लास्टिक की बन रही है, कोई रबर की बन रही है, ये सब कुछ 100% बांबू की बन सकती है, बन रही है। लोग इसको बना रहे हैं, लोग इसको बेच रहे हैं और ये दिखने में बहुत अच्छी होती है। यानी बांबू अभी पता भी नहीं चलेगा इतनी सुंदर ये है। बांबू की खिलौने, ये पूरे खिलौने बने हैं बांबू से। हर तरह का खिलौना बन सकता है बांबू से। यहां तक के कुछ कंपनियां ऐसी है जो 100% सिर्फ और सिर्फ बांबू के खिलौने बनाती है और दुनिया में बेचती है। उसमें एक ये कंपनी है हिप टॉयज, और इसके टॉयज मैं चाहता था कि इसके बहुत सारे चित्र सिर्फ आपके खिलौने को बताऊं कि बांबू से ऐसे खिलौने बनते हैं। यानी जो आप देखते हैं ना प्लास्टिक से और सब बन रहे, 100% वैसे खिलौने बन रहे हैं आज बांबू के, ये कंपनी बनाती है। यहां तक के हर वो चीज जो आज आप शायद लेदर से बना रहे हो, शायद आप प्लास्टिक से बना रहे हो, हर वो चीज बनाई जाती है जैसा आपको टेक्सचर चाहिए, जिस तरह की उसकी क्वालिटी चाहिए, जिस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए, सब कुछ बांबू में अवेलेबल है, मिलता है। सिर्फ आपको वो करने के लिए राइट तरह का बांबू चाहिए, उसकी वैरायटी चाहिए और उसको प्रॉपर वो प्रक्रिया और जो टेक्नोलॉजी वो चाहिए कि जिसकी वजह से ये सब बनेगा। दोस्तों बांबू कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है और ये सब जो मुझे दिखाए वो मैंने दिए, लेकिन कई सारे है उसमें। बांबू पेपर्स बनाता है, पेपर्स न्यूज़पेपर की जो रद्दी है उससे लेके हम जो लिखते हैं नोटबुक, और हर कोई आज इस पेपर के लिए कई सारे जंगल को काटा जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ को काटते हैं। और अब देखो हम जहां भी इंडस्ट्री है कागज बनाने की, वहां देखिए हम रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, पढ़ाई कीजिए ना। आजू बाजू जिस राज्य में आप रहते हो वहां अगर कोई पेपर की गिरनी है, पेपर की मिल है, तो किस कहां से आता है आप जब रॉ मटेरियल देखिए। लेकिन इस सभी जो रॉ मटेरियल इसको 100% रिप्लेस कर सकता है बांबू। आपको जैसा चाहिए पेपर, जिस तरह का क्वालिटी का पेपर आज बांबू से बनता है, लोग बना रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। जो आप देख रहे नोटबुक ये 100% बांबू की है। इसके आगे जाके बांबू इतना स्मूथ पेपर बना सकता है जो टिश्यू पेपर है, अपना 100% टिश्यू पेपर बन सकता है बांबू से, बन रहा है बांबू से। और इसके आगे जाके जो नेचुरल डायपर्स है ना, डायपर्स बच्चों को जो हम लोग डालते हैं, वो डायपर्स भी 100% बांबू से बन रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि आप इसकी एंटीबैक्टीरियल जो एक्टिविटीज, क्योंकि कुदरत ने इसको बनाया तो इतना उसमें गुण है कि 50 बार भी उसको धोए ना तो भी उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कम नहीं होती। बांबू खाना भी है, आप चाइना में जाओगे, वियतनाम में जाओगे तो बांबू के स्पेशल डिशेज आपको वहां रेस्टोरेंट में मिलेंगे। वो लोग भी खाते हैं और बाकी के जानवर भी खाते हैं, सबके लिए खाना है। बांबू के मेडिसिनल पर्पज है दोस्तों, मैं इनफैक्ट इतने सारे पर्पजेस है बांबू के, तो के हर पर्पज के ऊपर, हर उसकी विशेषता है ना उसके ऊपर मुझे एक स्पेशल सा एक प्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा, एक स्पेशल एक दूसरा वेबिनार लेना पड़ेगा, इतना ज्यादा है इस बांबू का। और ये बांबू आज से नहीं, आज से डेवलप हो रहा है और उसकी कुछ दवाई है, ऐसा नहीं, तो कई दिन से, सैकड़ों दिन से ये हो रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन बांबू इस दुनिया का सबसे पहला इरिगेशन सिस्टम है। ये जो आज प्लास्टिक के पाइप होते हैं, बाकी कुछ मेटल के पाइप होते हैं, पहले वैसा कहा होता था। तो हजारों सालों से जो व्यवस्था बनाई है पानी की, इरिगेशन की, ये बन रही है बांबू से। दुनिया का सबसे पुराना अगर पानी का पाइप कौन सा है तो है बांबू। तो ऐसे बांबू की जिनकी जो वॉल है वो बहुत थीन है और उसमें बहुत सारा जगह है जो खाली है, वो फिर इसके लिए काम आता है। लेकिन आज की तारीख में कई सारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 100% बन रहे हैं बांबू से, क्योंकि अदरवाइज हम लोग देखते हैं वो प्लास्टिक से बन रहे हैं, रबर से बन रहे हैं, लेकिन उसको 100% बांबू से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बांबू बहुत सारा काम आता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में। हमारे ही देश में नॉर्थ ईस्ट में कई सारे ऐसी जगह है कि जहां बरसात का पानी उसको स्टोर किया जाता है, उसका हार्वेस्टिंग होती है इस सब बांबू के सिस्टम से। बांबू अपनी
ये जो वेल होती है, ये कुएं होते हैं, इसके लिए भी काम आते हैं। कुएं के बाजू जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उस करने की जरूरत नहीं, आप बाम्बू का कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत अच्छा जबरदस्त इतिहास है दोस्तों, 2500 सालों से चाइना में इसका इस्तेमाल हो रहा है कुएं खुदवाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 200 BC और 200 AD, इन जो 400 साल है इसके बीच में एक बार चाइना में वहां के राजा ने एक बहुत बड़ा कुआं खोदा। उस कुएं की जो लेंथ थी वो 1600 मीटर, इतना डीप, इतना नीचे कुआं खोदा गया इस बांबू के साथ। तो ऐसी टेक्नोलॉजी वो डेवलप की थी चाइना ने इसके लिए, और ये टेक्नोलॉजी अंग्रेज को बाद में समझी 19वें शतक में जब क्रूड ऑयल निकला। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहला जो क्रूड ऑयल के लिए जो वेल या जो कुआ बना, वो कुआ इसी टेक्नोलॉजी से बना। लेकिन आज भी ये कुएं के लिए बांबू का इस्तेमाल हो रहा है। आज भी जो आप देख रहे हैं वैसे बांबू की बनी हुई कुएं लोग बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं, बाकी के देश में बना रहे हैं। और इस बांबू से यानी आप सोचेंगे, 100% टूथब्रश बनाए जाते हैं, ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं इस बांबू से, वॉचेस यानी ये घड़िया आपको जो नजर आती है ये 100% घड़िया बांबू की बनाई हुई है। और ऐसे नहीं ये बहुत सस्ती है या इसको ज्यादा कुछ ये नहीं करती, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये फैशन की दुनिया में आज की तारीख में ये बहुत ही जबरदस्त ऐसा ट्रेंड है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये घड़िया है, और ये 100% बांबू से बनाई है दोस्तों। इसके अलावा इस बांबू से ये साइकिल, आपको नॉर्मल जो साइकिल आप खरीदते हैं ना उसके जितने भी प्रकार है ना, उतने सब प्रकार बांबू की बनी हुई साइकिल में भी है। यानी रेसिंग की साइकिल, नॉर्मल अपनी साइकिल, और आपके नॉर्मल साइकिल में जो ताकत आपके उस मेटल के ढांचे में है ना, वो सेम ताकत हमारे इस बांबू के ढांचे में भी है। कंप्यूटर के सभी एक्सेसरीज, सब कुछ, यानी आपका कीपैड से लेके माउस से लेके स्पीकर से लेके सब कुछ बांबू में बन सकता है, बन रहा है। यहां तक के लैपटॉप हम लोग देखते हैं, लैपटॉप किससे बनता है, तो मेटल की पूरी उसकी डिजाइन होती है, ढांचा होता है, वो 100% ढांचा अभी बांबू से बनाया जा रहा है। बांबू से अभी ये जो कंपनी है, सिर्फ लोकल कंपनी नहीं तो इंटरनेशनल ब्रांड भी अभी बांबू से लैपटॉप बना रहा है और मार्केट में ला रहा है। बांबू से बियर बन रही है, और ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये कोई भी चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली लोग तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। बियर भी लोग तैयार कर रहे हैं, और एक अच्छा खासा ब्रांड है बियर्स का जो बांबू से बनती है और लोग उसको बेचते हैं। तो दोस्तों आज तक आपने बांबू के बारे में ऐसा दुकान देखा होगा, हमारे देश में ऐसे ही दुकान होते हैं, आपने देखा होगा कि बांबू से क्या बनते हैं, बादली बनती है, ऐसे टोपलियां बनती है, और ऐसे जो कुछ दिख रहे हैं आपको ऐसी कुछ चीजें बनती है। बस जब भी बांबू के बारे में आप सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं, बस इस प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हो, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आज बांबू से क्या क्या बन सकता है, क्या हो सकता है बांबू के साथ। मैं अपना खुद का अनुभव आपको बोलता हूं, खुद का अनुभव। मैंने जब इस टॉपिक को डिसाइड किया कि मैं बांबू के ऊपर टॉपिक लूंगा इस बार, तो मुझे भी यही था कि बांबू के ऊपर क्या एक टॉपिक सा होगा, मैं आपको बताऊंगा वगैरह। मैंने जब पढ़ा उसके बारे में, रिसर्च किया, तब मुझे पता चला इतना कुछ हो सकता है बांबू से, इतना कुछ पॉसिबल है, इतना इनोवेशन, इतना सब कुछ, इतना इतनी पॉसिबिलिटी, हर चीज में। तो मुझे तो सीरीज लेनी पड़ेगी अगर हर चीज को मैं अच्छी तरह से आपको बताऊं तो, इतना हो रहा है बांबू में, इतना कर सकते हैं बांबू में। और दोस्तों भारत एक ऐसा देश है कि भारत, हमारे देश में समाज है, कम्युनिटीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों सालों से बांबू का काम करते आ रहे हैं। मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूं, एक मैं स्टेटस आपको बताता हूं कि चाइना जो नंबर वन है पूरी दुनिया में इस बांबू के लिए, उससे ज्यादा जमीन बांबू के अंदर अपने अपने पास है भारत में, क्या आपको पता है? और इतने सारे लोग हैं कि जिनकी रोजी रोटी है बांबू के ऊपर, जिनका खाना है बांबू के ऊपर, जिनका स्पेशलाइजेशन है बांबू के ऊपर, हमारे देश में, हमारे यहां ये लोग जो बांबू के ऊपर जीते हैं। आज कोरोना में
दो साल, लेकिन लेकिन आज की भी परिस्थिति क्या है उनकी, पहले वो समझते क्या उनकी परिस्थिति है कि 50 साल 100 साल पहले या 200-400 साल पहले जो बांबू के चीजें तैयार होती थी वो भी आज ही वैसे ही आज वो कर रहे हैं, हाथ से ही कर रहे हैं। ये बाकी का चीज मुझे ज्यादा उस डिटेल में पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही हो रहा है। आज भी वो रस्ते के ऊपर बैठे हैं उनके उस शॉप्स में और इस तरह से वो माल बेच रहे है कि नहीं, ऐसा ही हो रहा है। ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई अपग्रेडेशन, ना कोई प्रोसेसिंग, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता बांबू के बारे में। और इस कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ 2 साल, आप सोचिए इन सभी परिवारों का क्या हुआ होगा, कहा बहुत बहुत कठिन परिस्थिति आई इनके, जो ऐसे काम करते जो ऐसी मेहनत करके अभी बेचते, पूरी तरह से जब बाजार बंद था, मार्केट बंद था, इनकी बहुत भयंकर कंडीशन हो गई। और सोचिए अगर हम ये बांबू से कितना अच्छा इनकम, ना सिर्फ इनको वो उगाने वाले किसानों को कितना हो सकता है, सिर्फ हमें क्या जरूरत है मैं आपको बता दूं, जरूरत है हमारा नजरिया बदलने की, ये पर्सपेक्टिव चेंज करने की। क्योंकि देखिए ना, इस बांबू को अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री की तरफ देखे, इंडस्ट्री के जैसे देखे, तो क्या नहीं कर सकते बांबू के साथ, और इनको क्या जरूरत है रस्ते पे बैठने की। अमेजोन के ऊपर आज इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वो ऑनलाइन माल बेच रहे, ये लोग कितने अच्छी तरीके से जी सकते, कितनी अच्छी तरह से माल हम लोग तैयार करके बेच सकते हैं। लेकिन बिजनेस का जो है ना आउटलुक, ये तैयार करना जरूरत है। मैं आपको बोलता हूं कि एमसीएल में ऐसी कोई भी चीज हम लोग नहीं कर रहे कि जो कभी हो ही नहीं रही, या पहली बार हम लोग कर रहे हैं, पहली बार ऐसे स्पेस का कुछ भी नहीं कर रहे। एमसीएल में सिर्फ यही काम कर रहे हैं, एमसीएल में हम लोग इस चीज के तरफ देखने का नजरिया बदल रहे। और इस बांबू को भी अगर हमें अलग लेवल पे लेके जाना है तो ये काम करेगा एमसीएल। एमसीएल का एक ही उद्देश्य है बस, इस सभी चीजों को, ये जो परिस्थितियों को हमारे पास पोटेंशियल है, हम लोग लेट अस नॉट फॉरगेट, भूलते नहीं है कि पूरी दुनिया में 90% ऑफ द टाइम हम लोग सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 30% से ज्यादा जीडीपी हम लोग तैयार करते थे। ओके, तो इतना पोटेंशियल आज भी, अगर मैं बांबू की बिजनेस की बात करूं तो बांबू के बिजनेस में भी वो पोटेंशियल, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे कुदरत ने दिया हो, क्लाइमेट, सब कुछ अपने पास, सिर्फ वो नजरिया बदलने का काम एमसीएल करेगा। और यही एमसीएल का मकसद है, यही एमसीएल की फिलॉसफी है। बांबू यहां तक खत्म नहीं हो रहा है, बांबू के बारे में इतना कुछ मुझे बताना है आपको, तो अगले हफ्ते फिर से मैं ये पूरा जो मार्केट एस्पेक्ट है, ये सब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक प्लीज कृपया आप अपना ख्याल रखें और ये अच्छा जबरदस्त काम चालू रखिए। धन्यवाद। यश श्याम सर, हम अगले हफ्ते का जरूर इंतजार करेंगे। आज इतनी रोचक और इतनी इंटरेस्टिंग बातें आज हम सब ने शायद जिंदगी में पहली बार बांबू के बारे में जानी है। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया, एमसीएल इंडिया परिवार। हर फ्राइडे की तरह आज भी एक अनोखा फ्राइडे हमें सीखने को मिला, और भविष्य में एमसीएल क्या करेगा। आज जो भी पूछते हैं कि एमबीपी क्या करेंगे, एमबीपी का कैसे होगा, एमबीपी की इकोनॉमी क्या होगी, आज उन सारे समझदार एमसीएल इंडिया परिवार सदस्यों को मालूम पड़ गया है कि एमसीएल एमपीओ एमवीपीज अपने गांव की आर्थिक क्रांति किस दिशा में करने वाले हैं, इसका एक नमूना आज श्याम सर ने हमें पेश किया है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। यस, आप देख रहे हैं कि आज हमें प्राची मैडम ने भी शेर की, जंगल के शेर की जो कथा, जो फैक्ट्स बताया, जो स्टोरी बताई, वो स्टोरी और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मैच करता है कि आने वाले समय में जब बांबू निर्मित, बांबू के आधारित गांव की आर्थिक क्रांति हम करेंगे तो हम वहां के एमसीएल के शेयर होंगे। ये एक संदेश आज इस रोचक फ्राइडे सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में श्याम से दिया है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच मैडम, एंड यस थैंक यू वेरी मच ऑल द एमसीएल एमपीपी मेंबर्स, आवर स्टेक होल्डर्स, आवर एमपी ओनर्स, आवर बीडीएस, सीनियर बीडीएस, प्राइम बीडीएस एंड एंटायर एमसीएल इंडिया फैमिली, थैंक यू वेरी मच। मैं और एक बार आज बड़े फक्र से दोहराना चाहूंगा कि आपको
इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड मैं आप सभी से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि दोस्तों कृपया चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई है इसके ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, क्योंकि आज उन्होंने जिस प्रकार से हमें इन जानवरों के बारे में बताया और खासकर शेर, जिसकी दहाड़ सुनकर भले भले लोगों को भी पसीना आ जाता है। दोस्तों आने वाले दिनों में एमसीएल की भी दहाड़ शेर की दहाड़ होने वाली है, इस बात की अब हमें कोई भी इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, हर बार की तरह और एक नई बात हमें आज सिखाने के लिए। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति का जो हर शुक्रवार हमें नया ज्ञान प्राप्त करवा के देते हैं, जिसके लिए वो खुद भी बड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों आज तक हमें बांबू के शायद दो या तीन ही उपयोग पता थे, जहां की हम घरों में इस्तेमाल होने वाला बांबू या फिर टोकरिया झाड़ू बनने में बांबू इस्तेमाल होता था, लेकिन आज हमें पता चल गया है छोटे मोटे घरों से लेकर मॉडर्न घरों तक इसका इस्तेमाल होता है, फूलों में, फर्नीचरों में, खिलौने में, कपड़ों में, पेपर में, ना कि बस इसमें लेकिन औषधियों में और खाने में भी इस्तेमाल होता है बांबू। और इसके आगे इसका व्यापारी महत्व क्या है ये हम अगले शुक्रवार फिर जानने वाले। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, आप जिस प्रकार से ये सारी बातें हमें बताया उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं एक इंसान का, जो है आप, जो हर शुक्रवार बिना चुके इस मंच पर आकर आप अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। दोस्तों आप सभी MPO, MBS, सारे डायरेक्टर्स, सारे MEP ओनर्स, सारे चैनल पार्टनर्स और सारे स्टेक होल्डर्स, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना, अपने साथ, अपने परिवार का और पूरे MCL परिवार का सेहत का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, यह घोषित करता हूँ कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।